हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रात के करीब 11 बजे बबीता की बहू निधि अपने पति राजन के साथ एक शादी से घर लौटती है तो दोनों हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हॉल में सोफे के सारे तकिए बिखरे हुए थे। निधि की सास बबीता सोफे से लगकर जमीन पर बैठी हुई थी, वो भी शराब के नशे में धुत। उसने हाथ में खाली ग्लास भी पकड़ा हुआ था। ये सब देखकर निधि राजन को कहती है, ये तुम्हारी माँ को कौन सा गम लगा है जो इतनी रात के समय ही टिका कर बैठ गई? मुझे क्या पता, जब शादी में जाने के लिए निकले थे तब तो ठीक थी, 2 घंटे में क्या हो गया मैं क्या जानूं? अरे कौन के खुजली है रही, मेरे घर में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहाँ चिल्ला रहे हैं, चिल्ला तो ये रही है। ओहो, उन्हें चढ़ गई है, संभालो उन्हें। अरे मुझसे ये होश में नहीं संभाली जाती, नशे में कहाँ से संभालूं? और ससुर जी कहाँ निकल लिए, घर में नहीं है क्या? तुम साइड हटो, मैं ही पूछ लेता हूँ। राजन अपनी माँ के पास जाता है और आराम से उसे सोफे पर बैठा कर कहता है, माँ क्या हालत बना रखी है इतनी रात को, क्या हो गया? हाँ सासू माँ, इस समय सोने की जगह आप रोकर पी क्यों रही हो, हुआ क्या है? तेरी सास को ब्रेकअप हो गया, खुश चल गए पता? सास का ब्रेकअप? सासू माँ आपका चक्कर चल रहा था, आपने कभी बताया नहीं, अब समझी इसलिए ससुर जी आपको चुप कराने नहीं आ रहे थे। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? अरे सासू माँ ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है ना कि चक्कर तो रहा ही होगा, इसमें बकवास कैसी? चक्कर है को तेरी अम्मा को नास पिटी, मेरा तो बूंदीलाल से ब्रेकअप होगा। कौन बूंदीलाल सासू माँ? तुम्हारे ससुर, और कौन, पापा की ही तो बात कर रही है माँ, और तुम्हें क्या बिने पिए ही चढ़ी है, तो ऐसे अजीब से सवाल क्यों कर रही हो, चलो माँ को कमरे में लेकर चलो। नहीं मैं कहीं ना जाऊंगी, मुझे ब्रेकअप की पार्टी करनी हैगी। अरे नास पिटी, मैं तेज आवाज में, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लियो वाला गाना लगा दे। अरे तुम क्या खड़ी सुन रही हो, पकड़ो सासू माँ को चलो। तभी राजन और निधि नशे में चूर बबीता को उसके कमरे में ले जाते हैं और किसी तरह निधि उसे सुलाती है, खुद भी उसी कमरे में सो जाती है। अगली सुबह बबीता करीब 11 बजे अपना सर पकड़े हॉल में आती है, जहां निधि फोन पर अपनी सहेली से बात करती हुई कहती है, अरे तुझे क्या बताऊं, मेरी सास का ब्रेकअप हो गया, उनके कमरे में सोने के चक्कर में कल रात की मेरी नींद की बैंड बज गई। किससे हुआ ब्रेकअप? अरे तुझे बताऊंगी ना तो तू हंस हंस कर पागल हो जाएगी। बहू सासू माँ, तभी वो जल्दी से फोन कट कर साइड में रख देती है तो बबीता गुस्से से कहती है, जे का चुगली कर रही हती अपनी सास की, हाँ जा कर चाय ला। चाय? सासू माँ 11 बज रहे हैं, कौन सा समय है चाय पीने का, और वैसे भी कायदे से तो आपको नींबू पानी मांगना चाहिए। ज्यादा जुबान न चला, और बूंदीलाल ने चाय पी ली की ना? ससुर जी, अरे वो तो घर में हो तो चाय पियेंगे ना। हाय दैया, जे आदमी अभी तक घर ना लौटो, मोहे का ब्रेकअप हो गए हुए मेरे तो, मैं ना करती कोई चिंता। अरे पर वो गए कहाँ हैं ये तो बता दो। बबीता निधि की बात का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में लौट जाती है। 2 दिन तक बबीता बिल्कुल शांत हो जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती, अजीब हरकतें करती है। ये सब देखकर निधि परेशान हो जाती है। एक रोज जब बबीता सोफे पर बैठी चुपचाप टीवी देख रही थी तो दूर खड़ी निधि उसे देखकर अपने सर पर मारती है, और तभी वहाँ से राजन गुजरता है और कहता है, ज्यादा सरदर्द है तो सर दीवार पर मारो ना, हाथ रखने से सरदर्द थोड़ी जाएगा। अरे मेरा छोड़ो, देखो सासू माँ को ब्रेकअप से पहले खुली सांड थी और ब्रेकअप के बाद कैसी पालतू गायें बन गई हैं, ना कुछ कह रही हैं ना कुछ पूछ रही हैं, कुछ भी बनाती हूँ खा लेती हैं, चाय को पानी समझकर पी जाती हैं। इतने दिनों से मेरे कान में इनके एक भी ताने नहीं गए हैं। अरे लोगों का ब्रेकअप का दुख होता है, लेकिन लगता है इस बुढ़ापे में भी ब्रेकअप का सदमा लगा है माजी को। वो बोल ही रही थी कि तभी उसके ससुर बूंदीलाल हाथ में कचौड़ी लेकर घर आते हैं। उसे देखकर बबीता उठकर खड़ी होती है और उसके पास जाने लगती है, तभी बूंदीलाल कहता है, बहू जरा एक गिलास पानी तो लिया मेरे लिए, और ये कचौड़ियाँ जरा रसोई में रख दियो। ससुर जी पानी क्या, मैं तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन आप अब तक थे कहाँ? बहू मैं अपने दोस्त शैलेश के घर गया था,
माँ आराम से सेवा पानी करवा कर आया हूँ, मजा आ गया। पापा आपको तो मजा आ गया और माँ यहाँ खूब सुकून से रह रही। ब्रेकअप के बाद तो मुझे लग रहा है जिंदगी में अकेले रहना ही ज्यादा भलाई हैगी। अरे कौन बोल रहे, कान में दर्द उठ गया, मैं कमरे में जा रहा हूँ, वहीं ले आना चाहे। कैसो ठीक आदमी है को, मैंने गुस्से में ब्रेकअप का कह दो, जाके तो तेवर ही बदल गए। बूंदीलाल अपने कमरे में चला जाता है। रात के समय खाना खाकर बबीता और बूंदीलाल एक साथ कमरे में पहुंचते हैं, तो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी दोनों के लिए दूध लिए वहाँ निधि आती है, तो बबीता कहती है, बहू जा आदमी से कह दे कि ब्रेकअप के बाद जब कमरे में ना आ सकते। ससुर जी आप, बहू ब्रेकअप तुम्हारी सास ने किया है तो कमरे से बाहर यही जाएगी। सासू माँ वो, बहू कह दे कि मोहे जाकी बात ना सुननी। ससुर जी बात, बहू अपनी सास को बोल मुझे बहस नहीं करनी, मैं चला हॉल में सोने। हाँ सासू माँ, ससुर जी मोहे भी ना सोना जा कमरे में, बहू आज मैं तेरो कमरों में ही सोने जा रही हूँ। इतना कहकर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर वहाँ से निकल जाते हैं और बेचारी निधि खड़ी देखती रहती है और गुस्से से कहती है, अरे हद है, ब्रेकअप इनका हुआ है और परेशान मुझे कर रखा है, ये दोनों तो बुढ़ापे में जवानों वाले खेल खेल रहे हैं। हाँ नहीं तो कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। बबीता और बूंदीलाल दोनों एक दूसरे से अनजानों की तरह पेश आते हैं। उनकी ये हरकतें देखकर निधि के दिमाग की दही हो जाती है। एक रोज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठे अपना काम कर रहे थे, तभी वहाँ पड़ोसन कमला आती है। अरे बबीता, ओहो भाई साहब भी यही है, मैं कह रही थी आज रात हमारे घर पर सबका खाना होगा, वो सोनू का जन्मदिन है ना। ओहो कमला आंटी, दुख की बात है, सासू माँ और ससुर जी नहीं आ पाएंगे, वो क्या है ना मेरी सास का ब्रेकअप हो गया है। लग तो है इज्जा नास पिटी का दिमाग फिर गया है। ये बहू भी ना ढिंडोरा पीटने से बाज नहीं आएगी। ब्रेकअप बुढ़ापे में भी होता है क्या, वैसे किससे हुआ? इसी घर में रहने वाले मेरे ससुर जी से। हाय दैया, सैया से ब्रेकअप हो गया, ये भी गजब खबर है। कोई ना, तू और राजन आ जाना। ठीक है आंटी। कमला वहाँ से चली जाती है और निधि भी हंसते हुए रसोई में चली जाती है। अगले दिन नाश्ते के समय निधि राजन को खाना परोस रही थी, तभी बूंदीलाल आकर बबीता के बारे में पूछता है और चला जाता है। कुछ देर बाद बबीता आती है और कहती है, बहू सुन तो जरा, तेरे ससुर जी ने खाना खा लियो के नहीं? ओहो बंद कीजिए ये ब्रेकअप का खेल आप दोनों भी ना। उसकी आवाज़ सुनकर बूंदीलाल भी वहाँ आता है और कहता है, बहू ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का। हाँ तो बंद कीजिए ना अपना ये बेफालतू का गुस्सा, आप दोनों तो बुढ़ापे में निब्बा निब्बी हो रहे हो, एक तरफ तो ब्रेकअप हो गया लेकिन दो दो मिनट पर दोनों एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे हो। और क्या माँ, आपने खाना खाया कि नहीं, पापा ये पूछ रहे थे और अभी आप भी यही पूछने आई थी, इतनी परवाह है तो माँ ब्रेकअप क्यों किया? मैंने कहा करो, वो तो लड़ते लड़ते गलती से निकल गए हो मुँह से, इन्होंने भी तो ज्यादा दिल पे ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे माफ कर दो तुम और ब्रेकअप से पैचअप भी कर लो। हाय दैया, वाह ससुर जी ये हुई ना बात। तभी बूंदीलाल बबीता को प्यार से गले लगाता है, ये देखकर राजन और निधि सर खुजाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।